लोगों का भाग्य बदल सकता है। साथियों, भारत में हर युग में कुछ चुनौतियां आई और हर युग में ऐसे असाधारण भारतवासी जन्मे जिन्होंने इन चुनौतियों का सामना किया। आज की मन की बात में मैं साहस और दूरदृष्टि रखने वाले ऐसे ही दो महानायकों की चर्चा करूंगा। इनकी 150वीं जन्म जयंती को देश ने मनाने का निश्चय किया है। 31 अक्टूबर से सरदार पटेल का 150वीं जन्म जयंती का वर्ष शुरू होगा। इसके बाद 15 नवंबर से भगवान बिरसा मुंडा का 150वां जन्म जयंती वर्ष शुरू होगा। इन दोनों महापुरुष ने अलग अलग चुनौतियां देखी, लेकिन दोनों का विजन एक था, देश की एकता। साथियों, बीते वर्षों में देश ने ऐसे महान नायक नायिकाओं की जन्म जयंतियों को नई ऊर्जा से मनाकर नई पीढ़ी को नई प्रेरणा दी है। आपको याद होगा, जब हमने महात्मा गांधी जी की 150वीं जन्म जयंती मनाई थी तो कितना कुछ खास हुआ था। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर से अफ्रीका के छोटे से गांव तक विश्व के लोगों ने भारत के सत्य और अहिंसा के संदेश को समझा, उसे फिर से जाना, उसे जिया। नौजवानों से बुजुर्गों तक, भारतीयों से विदेशियों तक, हर किसी ने गांधी जी के उपदेशों को नए संदर्भ पर समझा। नई वैश्विक परिस्थितियों में उन्हें जाना। जब हम ने स्वामी विवेकानंद जी की 150वीं जन्म जयंती मनाई तो देश के नौजवानों ने भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक शक्ति को नई परिभाषाओं में समझा। इन योजनाओं ने हमें ये एहसास दिलाया कि हमारे महापुरुष अतीत में खो नहीं जाते, बल्कि उनका जीवन हमारे वर्तमान को भविष्य का रास्ता दिखाता है। साथियों, सरकार ने भले इन महान विभूतियों की 150वीं जन्म जयंती को राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का निर्णय लिया है, लेकिन आपकी सहभागिता ही इस अभियान में प्राण भरेगी, इसे जीवंत बनाएगी। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप इस अभियान का हिस्सा बने। लोह पुरुष सरदार पटेल से जुड़े अपने विचार और कार्य #सरदार150 के साथ साझा करें और धरती आबा बिरसा मुंडा की प्रेरणाओं को #बिरसा मुंडा150 के साथ दुनिया के सामने लाएं। आइए एक साथ मिलकर इस उत्सव को भारत की अनेकता में एकता का उत्सव बनाएं, इसे विरासत से विकास का उत्सव बनाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, आपको वो दिन याद जरूर होंगे जब छोटा भीम टीवी पर आना शुरू हुआ था। बच्चे तो इसे कभी भूल नहीं सकते। कितना एक्साइटमेंट था छोटा भीम को लेकर। आपको हैरानी होगी कि आज ढोलकपुर का ढोल सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देश के बच्चों को भी खूब अट्रैक्ट करता है। इसी तरह हमारे दूसरे एनिमेटेड सीरियल कृष्णा, हनुमान, मोटू पतलू के चाहने वाले भी दुनिया भर में है। भारत के एनिमेशन कैरेक्टर्स, यहाँ की एनिमेशन मूवीज अपने कंटेंट और क्रिएटिविटी की वजह से दुनिया भर में पसंद की जा रही है। आपने देखा होगा कि स्मार्टफोन से लेकर सिनेमा स्क्रीन तक, गेमिंग कॉन्सोल से लेकर वर्चुअल रियलिटी तक एनिमेशन हर जगह मौजूद है। एनिमेशन की दुनिया में भारत नई क्रांति करने की राह पर है। भारत के गेमिंग स्पेस का भी तेजी से विस्तार होगा। इंडियन गेम्स भी इन दिनों दुनिया भर में पॉपुलर हो रहे हैं। कुछ महीने पहले मैंने भारत के लीडिंग गेमर्स के साथ मुलाकात की थी, तब मुझे इंडियन गेम्स की अमेजिंग क्रिएटिविटी और क्वालिटी को जानने समझने का मौका मिला। वाकई देश में
क्रिएटिव एनर्जी की एक लहर चल रही है। एनिमेशन की दुनिया मेड इन इंडिया और मेड बाय इंडियंस छाया हुआ है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि आज भारत के टैलेंट विदेशी प्रोडक्शन का भी अहम हिस्सा बन रहा है। अभी वाली स्पाइडरमैन हो या ट्रांसफॉर्मर्स, इन दोनों मूवीज में हरिनारायण राजीव के कंट्रीब्यूशन को लोगों ने खूब सराहा है। भारत के एनिमेशन स्टूडियो डिज्नी और वार्नर ब्रदर्स जैसी दुनिया के जाने माने प्रोडक्शन कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं। साथियों, आज हमारे युवा ओरिजिनल इंडियन कंटेंट, जिसमें हमारी संस्कृति की झलक होती है, वो तैयार कर रहे हैं। इन्हें दुनिया भर में देखा जा रहा है। एनिमेशन सेक्टर आज एक ऐसी इंडस्ट्री का रूप ले चुका है कि जो दूसरी इंडस्ट्रीज को ताकत दे रहा है। जैसे इन दिनों वीआर टूरिज्म बहुत फेमस हो रहा है। आप वर्चुअल टूर के माध्यम से अजंता की गुफाओं को देख सकते हैं, कोणार्क मंदिर के कॉरिडोर में टहल सकते हैं, या फिर वाराणसी के घाटों का आनंद ले सकते हैं। ये सभी वीआर एनिमेशन भारत के क्रिएटर्स ने तैयार किए हैं। वीआर के माध्यम से इन जगहों को देखने के बाद कई लोग वास्तविकता में इन पर्यटन स्थलों का दौरा करना चाहते हैं, यानी टूरिस्ट डेस्टिनेशन का वर्चुअल टूर लोगों के मन में जिज्ञासा पैदा करने का माध्यम बन गया है। आज इस सेक्टर में एनिमेटर्स के साथ ही स्टोरी टेलर्स, राइटर्स, वॉइस ओवर एक्सपर्ट्स, म्यूजिशियंस, गेम डेवलपर्स, वीआर और एआर एक्सपर्ट्स, उनकी भी मांग लगातार बढ़ती जा रही है। इसलिए मैं भारत के युवाओं से कहूंगा, अपनी क्रिएटिविटी को विस्तार दे। क्या पता दुनिया का अगला सुपरहिट एनिमेशन आपके कंप्यूटर से निकले, अगला वायरल गेम आपका क्रिएशन हो सकता है। एजुकेशनल एनिमेशन में आपका इनोवेशन बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। इसी 28 अक्टूबर को यानी कल वर्ल्ड एनिमेशन डे भी मनाया जाएगा। आइए हम भारत को ग्लोबल एनिमेशन पावर हाउस बनाने का संकल्प लें। मेरे प्यारे देशवासियों, स्वामी विवेकानंद ने एक बार सफलता का मंत्र दिया था। उनका मंत्र था, कोई एक आइडिया दीजिए, उस एक आइडिया को अपनी जिंदगी बनाइए, उसे सोचिए, उसका सपना देखिए, उसे जीना शुरू करिए। आज आत्मनिर्भर भारत अभियान भी सफलता के इसी मंत्र पर चल रहा है। ये अभियान हमारी सामूहिक चेतना का हिस्सा बन गया है, लगातार पग पग पर हमारी प्रेरणा बन गया है। आत्मनिर्भरता हमारी पॉलिसी ही नहीं, हमारा पैशन बन गया है। बहुत साल नहीं हुए, सिर्फ 10 साल पहले की बात, तब अगर कोई कहता था कि किसी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को भारत में विकसित करना है, तो कई लोगों को विश्वास नहीं होता था, तो कई उपहास उड़ाते थे। लेकिन आज वही लोग देश की सफलता को देखकर अचंभे में रहते हैं। आत्मनिर्भर हो रहा भारत हर सेक्टर में कमाल कर रहा है। आप सोचिए, एक जमाने में मोबाइल फोन इंपोर्ट करने वाला भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर बन गया है। कभी दुनिया में सबसे ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने वाला भारत आज 85 देशों को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत आज चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बना है। और एक बात तो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, वो ये है कि आत्मनिर्भरता का ये अभियान अब सिर्फ सरकारी अभियान नहीं है, अब आत्मनिर्भर भारत अभियान एक जन अभियान बन रहा है। हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। जैसे इसी महीने लद्दाख के हानले में हमने एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग टेलीस्कोप मैस का भी उद्घाटन किया है।
ये 4,300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। जानते हैं इसकी भी खास बात क्या है? ये मेड इन इंडिया है। सोचिए जिस स्थान पर -30 डिग्री की ठंड पड़ती हो, जहां ऑक्सीजन तक का अभाव हो, वहां हमारे वैज्ञानिकों और लोकल इंडस्ट्री ने वो कर दिखाया है जो एशिया के किसी देश ने नहीं किया। हानले का टेलीस्कोप भले ही दूर की दुनिया देख रहा हो, लेकिन ये हमें एक चीज और भी दिखा रहा है, और ये चीज है आत्मनिर्भर भारत का सामर्थ्य। साथियों, मैं चाहता हूं आप भी एक काम जरूर करें, आत्मनिर्भर होते भारत के ज्यादा से ज्यादा उदाहरण ऐसे प्रयासों को शेयर करिए। आपने अपने पड़ोस में कौन सा नया इनोवेशन देखा? किस लोकल स्टार्टअप ने आपको सबसे ज्यादा इम्प्रेस किया? हैशटैग आत्मनिर्भर इनोवेशन के साथ सोशल मीडिया पर यह जानकारियां लिखिए और आत्मनिर्भर भारत का उत्सव मनाइए। त्योहारों के इस मौसम में तो हम सब आत्मनिर्भर भारत के इस अभियान को और मजबूत करते हैं। हम वोकल फॉर लोकल के मंत्र के साथ अपनी खरीदारी करते हैं। ये नया भारत है जहां इम्पॉसिबल सिर्फ एक चैलेंज है, जहां मेक इन इंडिया अब मेक फॉर द वर्ल्ड बन गया है, जहां हर नागरिक इनोवेटर है, जहां हर चैलेंज एक अपॉर्चुनिटी है। हमें न सिर्फ भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, बल्कि अपने देश को इनोवेशन के ग्लोबल पावर हाउस के रूप में मजबूत भी करना है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपको एक ऑडियो सुनाता हूं। हेलो सर, नमस्ते सर। नमस्ते सर, बोलिए सर। देखिए, जो आपने FIR नंबर मुझे सेंड किया है, इस नंबर के खिलाफ 17 कंप्लेंट हमारे पास। आप ये नंबर यूज कर रहे हैं? मैंने नहीं यूज करता हूँ सर। अभी कहाँ से बात कर रहे हैं? सर कर्नाटक सर, वो मगर में हूँ सर। ओके, इसके लिए आप अपने स्टेट में रिकॉर्ड करवाइए ताकि ये नंबर ब्लॉक कर दिया जाए, फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके यस सर। अभी मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूँ, ये आपका इन्वेस्टिगेशन आप कर रहे हैं। आप अपने स्टेट में रिकॉर्ड करवाइए ताकि ये नंबर ब्लॉक कर दिया जाए। ओके यस सर। और बताइएगा मैं किसके साथ बात कर, अपना आधार कार्ड मुझे शो कीजिएगा वेरीफाई करने के लिए। आइए सर, मेरे पास अभी नहीं है सर आधार कार्ड सर, प्लीज सर। फोन आपके फोन में है? नहीं सर। फोन में आधार कार्ड की पिक्चर नहीं है आपके पास? नहीं सर। नंबर याद है आपको? सर नहीं है सर, नंबर भी याद नहीं है सर। हमने सर वेरीफाई करना है। ओके, वेरीफाई करने के लिए। नहीं सर। आप डरिए ना, डरिए ना, अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप डरिए ना। हाँ सर, हाँ सर। आपके पास आधार कार्ड है तो मुझे दिखा दीजिए, वेरीफाई कर। नहीं सर, नहीं सर, मैं गाँव पर आया था सर, घर में है सर। ओके, कमिंग। जय हिंद। इस व्यक्ति को वन साइड वीडियो कॉल रिकॉर्ड करो एज पर द प्रोटोकॉल। ओके